माता के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ये पर्व 23 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल देवी दुर्गा का वाहन हाथी है। शास्त्रों की मान्यता है कि नवरात्र में जब देवी हाथी पर सवार होकर आती है तब ज्यादा बारिश के योग बनते हैं। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं नवरात्र पर कैसा योग बन रहा है। इस साल शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं और 30 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। शारदीय नवरात्रि पर बुधायित्व योग, शश योग, राजयोग, भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालय के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। जिस दिन नवरात्र का आरंभ होता है उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती है। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। वैसे तो देवी दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्र की शुरुआत में वार के अनुसार देवी का वाहन बदल जाता है। इस बार नवरात्रि रविवार से शुरू है, इस कारण देवी का वाहन हाथी है। देवी के इस वाहन का संदेश ये है कि आने वाले समय में देश के लोगों को लाभ होगा, देश को लाभ हो सकता है, लोगों को सुख समृद्धि मिलेगी। और इस बार क्या असर होगा वो भी आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्र में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती है। माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला ये साल बहुत ही शुभ कार्य होगा, लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा भी बरसेगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि जब नवरात्र शुरू होता है तो हम कलश की स्थापना करते हैं। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी क्या है ये जान लीजिए। घट स्थापना तिथि जो है रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त क्या है, सुबह 6:30 बजे और 8:47 तक। अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। कलश स्थापना, ज्योतिषाचार्य में बताया गया है कि नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। मानता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की पूर्णता मनाही है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि कलश स्थापना की सामग्री क्या होनी चाहिए। ज्योतिष आचार्य ने बताया कि माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक के आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी होना चाहिए। इस तरह से आप माँ की चौकी सजा सकते हैं। तो आप सभी को शारदीय नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं।